भारत में अभी गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। भगवान गणेश की पूजा भारत के अलावा भी अन्य देशों में की जा रही है। अमेरिका, जापान, थाईलैंड, रूस जैसे देशों में बड़े ही उत्साह के साथ भगवान गणेश का आगमन किया गया है। लोग तो हैरान तब हो गए जब इन देशों के अलावा एक और कट्टर मुस्लिम देश से भगवान गणेश का उत्सव मनाने की खबर आई, जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। कट्टर मुस्लिम धर्म के युवा अब हजारों साल पुरानी सोच को बदलकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बीते कुछ सालों में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है और देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। आखिर कौन सा है वह देश जहां पर गणेश पूजा होने से लोग हैरान हैं? आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गणेश उत्सव की धूम अभी प्रत्येक देश में मची हुई है। इंडोनेशिया, जापान, रूस और अमेरिका जैसे देशों में भगवान गणपति के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इन सभी देशों में गणेश उत्सव मनाने की खबर सुनकर आपको उतनी हैरानी नहीं होगी जितनी हैरानी यह जानकर होगी कि हमारे कट्टर दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में भगवान गणेश का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय मूल के महाराष्ट्रीयन लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले कई सालों से इनके पूर्वज इसका आयोजन करते आ रहे थे, अब उनके बाद इन्होंने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि गणेश उत्सव के लिए हर साल यहाँ पर दो दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसका आयोजन कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर में किया जाता है। इस मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। पूजा के समय इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। यहाँ रहने वाले हिंदुओं की संख्या 800 से भी ज्यादा है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों का कहना है कि हम लोग प्रतिवर्ष गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। किसी अन्य धर्म के लोगों को आने पर रोक नहीं है। गणेश जी के विसर्जन के समय जुलूस भी निकाला जाता है, पर आज तक किसी भी तरह की कोई समस्या अन्य धर्म के लोगों के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई, बल्कि उन्होंने हमेशा हमारी मदद ही की है। पाकिस्तान में कोई हिंदू त्योहार मनाना कितना मुश्किल है, यह वहां रहने वाले हिंदुओं से अच्छा कौन जान सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग भगवान गणेश का उत्सव मना रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह सब देखकर पाकिस्तानी इस्लाम के ठेकेदारों की नाराजगी सामने आ रही है। वे लोग किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हो रही सभी हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला है, फिर भी वहां रहने वाले हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। पाकिस्तान में भी अब धीरे धीरे हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो दिखाते हैं और उसकी जमकर तारीफ भी करते हैं। उनको देखने वाले लोग ज्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। उन्होंने कई पाकिस्तानी आम जनता से हिंदू धर्म को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में उन्होंने हिंदू धर्म की खूब तारीफ की। पाकिस्तान भी जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि वहां की आम जनता को अब समझ में आने लगा है कि ये इस्लाम के नाम पर सिर्फ अपनी सत्ता बचा रहे हैं और हमको आपस में लड़वा रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।